सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप कि सभी बढ़िया होंगे। भाई अपने अपने घर पे फुल मौज कर रहे होंगे। सो भैया, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल पे, आज है हमारी कैंपिंग की वीडियो, और वो भी एक रिवर के किनारे। और बहुत बड़ी ही वैली है ये जिसमें हम कैंपिंग कर रहे हैं। आज फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा कैंपिंग का। आप वीडियो में बने रहना और देखना भाई, बहुत फन होने वाला है। सो गाइस, फाइनली हम अपनी कैंपिंग के लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा और आगे है और गाड़ी अपने नीचे ही खड़ी कर दी हमने। सो बेसिकली गाइज, ये मेरी फर्स्ट कैंपिंग है, तो फिर जाहिर सी बात है बहुत सारा फन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती है, तो मैं दूसरे की हेल्प भी लूँगा। आप वीडियो में देखें कैसे मैं सब कुछ एडजस्ट करता हूँ। ये अपनी लोकेशन है कैंपिंग के लिए। अब एक बार सामान वगैरह इधर उधर इकट्ठा करते हैं और फिर यहाँ पे ये ठीक रहेगा। सो भाई, हम कर रहे थे फर्स्ट टाइम कैंपिंग, तो हमें इतना अंदाजा है नहीं चीज़ों का ठीक से। ये हमारा नया ही टेंट था, आज ही इसकी ओपनिंग हुई है यहाँ पे। तो ये जेंगो भैया है यहाँ पे जो कैंपिंग कराते हैं। नीचे और भी कैंप लगे हुए हैं एक दो, तो इनको प्रॉपर आइडिया है हर चीज़ का। फ्रंट इस तरफ में, ऐसे में है, लंबा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे आपकी तरफ तो आ जाएगा ना आराम से। कोई नहीं कोई नहीं, हमने ऐसा वो करना नहीं ना, सोना वो कुछ नहीं ना। इसकी डंडी है ना ये, ज़्यादातर इस वीडियो में मैंने टाइम लैप्स ऐड किए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबी वीडियो ना देखनी पड़े और बोर ना हो। बाकी कैंपिंग की फुल फील आने वाली है आपको देखते देखते। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग रहेगा, बट ईजी है देखने के लिए ये चीज़ें। नहीं नहीं, ऐसे इसकी तरफ में मुंह हो जाएगा ना ऐसे। हाँ यही ठीक है। अब जो आपका स्टिक हो जाएगी, आप वाला डाल दिया आपने? हाँ जी, हाँ डाल दिया। किधर में डाला ये? इसमें से डालना स्टार्ट करना है ना। ये देखो ऐसे नहीं, ये क्रॉस में होगा, ये क्रॉस में जैसे ये ना आपका। हाँ, अब मैंने ये इस स्टिक में डाला है। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब आप इधर जाओ क्रॉस में, उधर तिरछा हो जाएगा। हाँ, उसमें एक पट्टी बनी होगी, उसमें डालना आपने पट्टी के अंदर। पट्टी आ रही है, चौड़ी सी पट्टी है। हाँ, काले रंग की पट्टी है। हाँ, उसके अंदर गैप है, देखिए। हाँ हाँ, डल गया। हाँ, कर दो इसको प्रेस। ये ओके हो गया, यहाँ पे हो गया। हाँ, अब जो इसके ये वाले ना, ये लगाना। अच्छा, ये काले काले उससे। हाँ, ये वाला ही पूरे। हाँ, अब आप इस सेट से जाओ उस सेट। मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगा कि भाई, अगर फर्स्ट टाइम आप कैंपिंग कर रहे हो तो किसी ना किसी ऐसे इंसान के साथ करें जिसे कैंपिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो, वरना आप बहुत कुछ चीज़ें ना स्किप कर दोगे आप इंजॉय करने के बीच में। सो भाई, फिलहाल कुछ ऐसा सा अपना कैंप का सेटअप हुआ है। अभी ये अपनी चेयर रखी है और ये अपना कैंप है। मैं इसका वॉक अराउंड देता हूँ एक बार आपको अच्छे से। लाइट मैंने हाथ में उठा ली है। और जो इस वैली का यहाँ पे नज़ारा है ना भाई, जहाँ पे मैंने कैंप लगाने का डिसाइड किया है, वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्यों डिसाइड किया था, क्या रीज़न रहा था मेरा। ये कुछ बैक साइड है मेरी, जिसमें यहाँ पे विंडो भी दे रखी है अंदर से भी। ये ऊपर वाटरप्रूफ कैंप वाली कवरिंग है, और अंदर हमारा जो प्रॉपर, जिसे हम नॉर्मल वेदर में भी रख सकते हैं अगर कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी मैं इसको अंदर जाके दिखाता हूँ एक बार। मैं अपने फ्रेंड को दे देता हूँ कैमरा। तो भाई, ये तो लाइट है अपनी, काफ़ी मददगार साबित हो गया हमारे लिए आज की रात को। और बैकअप भी बहुत अच्छा है इसकी, बैटरी का 6000 mAh का बैकअप है। इन सभी चीज़ों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे कहाँ से हमने क्या लिया था। ये डिकैथलॉन का हमारा टेंट है, और ये लाइट है, और ये चेयर।
चेयर मेरे पास फिलहाल सिंगल ही अवेलेबल है। ये हमारा टेंट हो गया भाई यहाँ से ओपन। एक बार मैं भाई को बोलूँगा, भाई एक बार कुछ इतना स्पेस है भाई दो लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वहाँ भी हमने इसका डेमो देख के ही दूसरे वाला कैंप जो लगा हुआ था तभी लेके आए थे। बाकी यहाँ पे भी विंडो का ऑप्शन है ऊपर में यहाँ, और यहाँ भी अपना मैट्रेस आ जाएगा, फिर अपने पास दो ब्लैंकेट हैं और उसको अपना आराम से ईजी रहेगा। कोई सर्दी वाला ज़्यादा सीन तो है नहीं अब की बार, लेकिन फिर भी। और यहाँ होगी भाई अपनी बोन फायर, इसमें अभी भैया लकड़ी लेने गए जिन्होंने कैंप में हेल्प कराई थी उनका, नीचे वहाँ मैं दिखाऊंगा आपको अगर फिलहाल क्लियर आ जाए तो, वो जो लाइट जल रही है ना वहाँ उनका ढाबा है, और ये नीचे जो बोन फायर चल रही है भाई यहाँ लगा हुआ है दूसरा कैंप, और हम हैं बिल्कुल रिवर के पास में। फिलहाल तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना, सुबह का व्यू दिखाते हैं हम आपको, और अभी आते हैं अपने बोन फायर फिर उसका वीडियो शूट करके दिखाते हैं कैसे क्या हमने बोन फायर जलाई। कुछ ऐसा सा सीन रहेगा मेरा यहाँ पे बैठने का, मतलब ना फील आ रही है फुल एकदम मौसम वाली। अभी तक तो कैंप हमने पहले भी किए थे, लेकिन वो किए थे कि जैसे अभी भैया लगाते हैं ढाबा तो यही कैंपिंग कराते हैं, तो ऐसे ही किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम अपना कैंप लेके आए हैं और ऐसा सीन है, मतलब अलग सी हैप्पीनेस दिख रही है अंदर से। फ्यूचर में ना बहुत सारी कैंपिंग वीडियोज़ आने वाली है हमारी। और ये अपना भाई साथी, अभी इसको चलाएंगे, ऑफलाइन म्यूजिक सेव कर रखा हमने यार, नेटवर्क तो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो नेटवर्क है यहाँ का, नेटवर्क का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी इसीलिए हमने ये प्लेस चॉइस की थी, चूज़ की थी हमने ये प्लेस कि हमारी गाड़ी पास ही खड़ी हो जाएगी, वहाँ ढाबे के पास अपनी गाड़ी खड़ी है, और अगर हमको कोई भी इमरजेंसी या फिर कोई भी नीड होती है नीचे जाने की तो ईज़िली हम जा सकते हैं। अगर ऊपर क्या बोलते हैं उसको, चीका ट्रैक पे अगर जाके हम अपनी कैंपिंग करते तो वहाँ पे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती थी अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज़। और फर्स्ट टाइम ना भाई आसपास में ही हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप भी कभी फर्स्ट टाइम कैंपिंग करो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आसपास की लोकेशन जहाँ आप पहले विजिट कर चुके हो वहीं पे कैंप करना। बाकी ये कुछ वॉक अराउंड रहेगा मेरा, देख लो आप एक बार। ये लकड़ियाँ इसमें ऐसे तो चलो ना, नहीं ऐसे नहीं, और इसको ऐसे कैसे ये करना, फिर उसके लिए ज्यादा लकड़ी चाहिए, दो ही तीन काफी। सो पहले कभी हम जब भी बोन फायर वगैरह करते थे किसी भी होटल में या रिजोर्ट में तो काफ़ी इजी लगता था कि भाई हाँ लकड़ियाँ रखी और केरोसिन ऑयल डाला और फिर तभी आग जल जाती थी, लेकिन अब तब अपने हाथों से लगा के देखे ना भाई तब पता चल गया कि हाँ ऐसे इतनी जल्दी आग नहीं जलती, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है उसमें। लकड़ियों का तरीका होता है, एक पैटर्न होता है रखने का, फिर उसके बाद उसमें केरोसिन ऑयल नीचे डाला जाता है। हाँ जी, तो भाई अपनी चल रही है यहाँ पे बोन फायर की तैयारी, और खुशी मेरे चेहरे पर आप देख ही रहे होंगे, ओवर ही जा रही है। थोड़ी सी थोड़ी चीज़ें भैया से सीखनी पड़ रही है हमें, कोई नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ना 0 to 100 सारी चीज़ें की तरफ तुम्हारा भाई खुद से अपने हाथों से करेगा। और फिर उसमें आपको छोटी सी लकड़ी के साथ आग जलानी होती है, बट काफ़ी फन था, हर चीज़ में फन था, पता भी नहीं चला कि कब हमारा टाइम निकल गया बातें करते हुए, कुछ नया सीखते हुए और ट्राई करते हुए। ये भैया आपकी ना टॉर्च, तो भाई अपनी फिलहाल बोन फायर स्टार्ट हो चुकी है। नीचे भैया को हमने थोड़ा सा ऑर्डर दे दिया अपने खाने के लिए, क्योंकि अपने पास सिलेंडर अभी अवेलेबल है नहीं, और खुद से लकड़ी जलाने वाले आपने पीछे मेरी वीडियो देखी होगी भाई कितने परेशान हो गए थे कॉफ़ी बनाने के लिए। तो अगली बार अपना ब्यूटोन वाला सिलेंडर लेके आएंगे और फिर करेंगे वो चीज़ें तो अपने स्टार्ट। बाकी इसमें देखेंगे ट्राई करके, अगर कुछ पतीली वगैरह रखी जाएगी तो फिर उसमें भी कुछ बना के देखते हैं अपना। और मैं अभी फिलहाल अंदर कर देता हूँ भाई अपना, एक बार दरी बिछा देता हूँ। ब्लैंकेट वाला ऑप्शन हमने स्किप कर दिया यार, क्योंकि इतनी ठंड है नहीं फिलहाल यहाँ पे, जो आप ये मेरे मुंह से फिलहाल दिख रहा है ना आपको धुआं आता है, ये इसी का है। कभी ये सोचो कि भाई ठंड में खड़ा है और बोल रहा है ठंड नहीं है, तो अभी सिर्फ दरी बिछाएंगे
और अपने पास ब्लैंकेट है एक्स्ट्रा में, तो उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो अपना ओढ़ लेंगे। बाकी कौन सा दूर है यार, यही गाड़ी खड़ी है अपनी, अपने मैट्रेस ले आएंगे अगर जरूरत पड़ी तो, स्लीपिंग वाले बैग्स हैं। तो अभी चलते हैं कैंप के अंदर भाई, एक बार आगे लेके आओ। ये है हमारा कुछ कैंप का सीन, ये अपना टावल है भाई, इधर इधर चले गया। बाकी ये मेरे हिसाब से मेरी हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा रह गया, 6 फीट का तो कंप्लीट ये है नहीं। बाकी अपना पिलो वगैरह रखेंगे तो उससे शायद कवर हो ही जाएगा। अपने अपने टॉवल अंदर रख लेते हैं भाई। इस कैंप की ना बहुत सारी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें पॉकेट वगैरह का ऑप्शन है, अंदर अपना जो भी फ़ोन वगैरह पावर बैंक्स वगैरह अंदर रखे, और इसको रखेंगे हम यहीं पर, अपना पूरी फुल वाइब यहीं से आएगी इसकी म्यूज़िक की। और ये है भाई अपना जुगाड़ कंबल वाला, सही है यार। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ मैं यहीं पे बैठता हूँ अब, बोन फायर वगैरह दूर से ही देखने में ठीक लग रही है, कैंप के अंदर ज़्यादा इंजॉय हो रहा है। इसको अंदर ऐसे टंगा देते हैं, चीज़ें धीरे धीरे पता चलेगी ना सारी कैसे क्या होती है। अभी हो गया अपना कैंप का पूरा गेट ओपन ठीक से, बाकी अंदर लाइट वगैरह टांगने का भी ऑप्शन है, एक बार दिखाना भाई थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे दिखाऊं तो भाई यहाँ ऊपर लाइट भी टंग सकती है, और इधर में जो मैं पॉकेट बता रहा था ना आपको, ये वाला पॉकेट का सेक्शन है। बाकी स्पेशियस काफ़ी है भाई, जब मैं अभी सोने की तैयारी करेंगे तो दिखाऊंगा मैं आपको कि कितना पार्ट है अंदर ही अंदर। तो भाई अपनी मैगी रेडी है यहाँ पे फुल्ली, अपनी बढ़िया चाय गर्मा गर्म अदरक वाली, और मैगी बोन फायर, और हल्की हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हो रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे में ठीक से आ रही होगी फिलहाल तो लाइट की उसकी वजह से, वरना मैं एक तरीके से शूट करके दिखाता हूँ आपको। और फिर ठंडी हवाओं में और बारिश की हल्की हल्की फुहारों के साथ जब गर्मा गर्म मैगी हमारे हाथ में आई, तो भाई हमारा जो कैंपिंग का मज़ा था वो दुगना बढ़ गया। और फिर हमने थोड़ा सा अपना म्यूज़िक प्ले किया जिसमें प्यारी प्यारी आवाज़ में, ज़्यादा शोर शराबा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई पीछे और भी कैंप लगे हुए थे उनको परेशानी ना हो। फिर हमने अपना खूब इंजॉय किया, रात को लगभग 1 से 2 घंटे हमने बाहर म्यूज़िक सुना और अपना खाना वगैरह जो था वो अपना टेक इन किया। फिर उसके बाद हल्का सा मौसम ख़राब होने लग गया तो हमने अपना सब पैक कर दिया अंदर की तरफ में कैंप में। हाँ जी, तो भाई कैमरा कुछ ज़्यादा दूर हो गया मेरे हिसाब से। बाकी फ़िलहाल अपना डिनर वगैरह जो आपने देखा वो सब हो चुका है, मैगी वगैरह हमने खा लिया है, अभी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे नहीं, लेट नाइट हो गया है। बाकी सुबह अपना ब्रेकफास्ट में देखते हैं, मैंने भैया को ऑर्डर दे दिया पहले ही, भैया ही उठाएंगे हमें आके, जितनी जल्दी सुबह आके खुलती नहीं है भाई अपनी। तो बाकी अपनी बोन फायर भी फ़िलहाल डाउन मार गई है काफ़ी, तब तक चलेगी तब तक चल जाएगी, इससे ये फ़ायदा है कि कोई भी जंगली जानवर आसपास आएगा नहीं। और अपना चलते हैं बिलाल कैंप के अंदर सोने की तैयारी, पानी की बोतल हमने रख ली है, बाकी म्यूजिक सिस्टम चलता रहेगा अपना जब तक चलेगा, उसको भी बंद कर देंगे सोते टाइम, अपना लेटते हैं कुछ वीडियो की एडिटिंग वगैरह करते हैं। और बाकी कैंप के अंदर तो इतना ज़्यादा स्पेस है नहीं कि भाई मैं वीडियो भी शूट कर लूँ, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी अपनी सोने की तैयारी, उसके बाद सुबह का व्यू दिखाते हैं आपको, एक नंबर ऑसम व्यू जिसे कहते हैं ना कि भाई प्रॉपर कैंपिंग साइट। अगर आप मेरे को कमेंट में ये ना पूछो ना कि भाई कैंपिंग कहाँ की थी एक बार लोकेशन बता दो, तो फिर कहना कि भाई मानसु तूने कैंपिंग नहीं की, कुछ और ही करके आया है। अभी मैं चलता हूँ सोने के लिए, और भाई हमारा कैमरा पकड़े हुआ है फिलहाल तो, चप्पलें अपनी सब बाहर ही रहेंगी। बाकी भाई थोड़ी सी हाइट की प्रॉब्लम तो होती है, हमारा कैंप थोड़ा सा, अरे यार ये इंसेक्ट भी आ रहे हैं, जल्दी से ही ना गेट को हमने बंद ही करना पड़ेगा,
इंसेक्ट की भी प्रॉब्लम हो रही है आज थोड़ी सी, बारिश का मौसम चल रहा है ना। और सच बताऊं भाई, बोन फायर की वजह से ना इतनी गर्मी हो रखी है अभी ना, ये निकाल के और टी शर्ट डालूंगा अपनी और फिर सोएंगे। कंबल की भी ज़रूरत नहीं लग रही मेरे को, तो लगेगी की ज़रूरत पड़ेगी। स्लीपिंग मैट्रेस की तो बहुत दूर की बात है, स्लीपिंग बैग्स वाली। बाकी कुछ ऐसा स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार लेट के। कैप तो मैं फ़िलहाल व्लॉग में नहीं उतारूंगा क्योंकि मेरे पैर्स इतने अच्छे से आए नहीं हैं अभी। मेरे भाई पूरे पीछे पैर कैंप तक पहुंच चुके हैं, मतलब जो कैंप के पीछे वाली साइट है, और यहाँ पे ये है। मतलब बस नाम नाम का ही मैं बच गया, वरना ये कैंप मेरे जैसे लोगों के लिए खास बना नहीं था। उस टाइम पे इतना ध्यान दिया नहीं हमने, क्योंकि 7 फीट वाला कैंप आपकी बार ट्राई करना पड़ेगा हमें। और फिर रात लेट तक कैंपिंग एंजॉय करने के बाद सुबह होती है हमारी एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ। मेरे को पर्सनली ये व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत सारे लोगों को बारिश का मौसम इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मौसम बढ़िया हो रहा है। सुबह लगभग 3-4 बजे के आसपास बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी, और ये टाइम हो गया, अभी तक बारिश तो रुकी नहीं है। तो स्पीकर वगैरह हमारे सब डेड हो चुके हैं, बस ये फ़ोन है और गिम्बल है, लास्ट पावर बैंक से चल रहे हैं। बाकी उठे तो काफ़ी देर के हुए हैं, तो ज़्यादा सनराइज़ देखेंगे, लेकिन बारिश के मौसम में कहीं सनराइज़ दिखेगा। और बोन फायर भी अपनी ख़त्म है। अभी फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि नीचे जाएंगे वो ढाबे के पास, और वहीं पे अपना कॉफ़ी वगैरह जो भी अपना ब्रेकफास्ट है वहीं पे डन करेंगे, क्योंकि यहाँ तो बारिश में भाई पॉसिबल है ही नहीं। इंसान नीचे जाए फिर लेके आए और फिर वापस जाए, तो इससे अच्छा है एक ही बार में चले जाएंगे और अपना डन करते हैं। बाकी उसके अलावा भाई आप व्यू देखो चारों तरफ में कैसा फोगी फोगी सा मस्त हो रखा है, मेरे को तो बहुत मस्त लग रहा है। बस भूख लगी है इसीलिए निकलना होगा यहाँ से। और ये कैंप ना भाई एक नंबर परफेक्ट कैंप है, एक बूंद तक अंदर नहीं आई थी बारिश की तब तक हमने चैन नहीं खोली थी। चैन खोलने के बाद तो थोड़ी सी बात अलग है यार, ओपन हो गया ना ये। वैसे कि यहाँ पे इसकी कैप हो जाती है ना तो फिर रहता। बस फिलहाल करता हूँ थोड़ा सा और वेट, अगर ये बंद हो जाए तो बारिश, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं। और मेरे हिसाब से कैंप की तो लास्ट क्लिप रहेगी, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या ही शूट करूँ और क्या ही मैं इसको दिखाऊँ। बाकी लेट दोपहर में अगर थोड़ा सा बारिश कम होती है 1-1.5 घंटे बाद, तो कैंप को होल्ड करेंगे जरूर आके वापस, तब तक ऐसे ही लगा के छोड़ जाएंगे। बारिश में भीगना मन नहीं है, बीमार हो गए ना तो सारी ट्रिप यहीं पर निकल जाएगी। वो कराउंड दिखा दे भाई एक बार। हाँ जी, तो भाई फिलहाल कैंप के बाहर निकल चुके हैं, बारिश हल्की सी कम हो गई है, ज़्यादा बिल्कुल रुकी तो नहीं है। ये अपना कैंप है, कुछ हिस्से सा बंदी कर रखा है भाई क्योंकि पानी अंदर जा रहा था। बाकी उसके अलावा मैं आपको इधर ये वैली दिखाने वाला था, सुबह मैं बोल रहा था ना बहुत ही ओसम व्यू आना है, लेकिन अभी फ़िलहाल ना बारिश की वजह से इतना क्लियर आ नहीं रहा। अगर आप देखो तो एक बार ये है भाई यहाँ से कुछ व्यू। बाकी ये फोगी फोगी सा हो रखा है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें पूरा वो पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, मेरे हिसाब से छेथन का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा चौड़ा पहाड़ यही है। बाकी व्यू देखो भाई चारों तरफ कितना ऑसम लग रहा है। तो अभी ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम नीचे चल रहे हैं ढाबे पे, कुछ गर्म गर्म चाय कॉफ़ी लेते हैं, क्योंकि ठंड तो हो जाती है ना यार बारिश के टाइम पे, तो वही सीन हो रहा है, थोड़ा ऐसा सा रास्ता है। अगर बारिश नहीं हुई होती ना तो बहुत ही अलग लेवल का फ़न होता, बस थोड़ा बारिश की वजह से हल्का सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ये सुबह सुबह के मैटर में। रात को तो बहुत अच्छे से सब पैक करके सोए थे। बाकी धीरे धीरे मौसम खुल रहा है,
देख तो देखेंगे क्या होता है। हाँ जी, तो भाई फिलहाल ढाबे के अंदर बैठे हैं, बाहर बारिश आ रही है, आपको शायद थोड़ी थोड़ी वो हिसाब ही रही होगी, टप टप की ऊपर टीन है ना, तो उन पे बारिश की आवाज अलग से ही आ रही है। उसके अलावा अपने चावल है, ये हमने स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनवाए हैं यहाँ पे जो हमारे जंगो भैया हैं उनसे। बाहर बारिश और यहाँ गर्मा गर्म चावल और अंदर अंगीठी, आप बिल्कुल मेरे ना फोन के पीछे ना अंगीठी रखी है, उससे वैसे ही गर्म गर्म वो लग रही है, फील आ रही है। अभी चावलों को एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद धूप निकलेगी तब अपना कैंप फोल्ड करेंगे और देन नीचे। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और मौसम थोड़ा ठीक से खुला नहीं है ना, तो इस वजह से कैंप को अभी यहीं पे छोड़ रहे हैं ऊपर और अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकल रहे हैं। ये अपनी गाड़ी खड़ी, तो भाई अपना रेडी शेडी होके और फिर आ गए हैं दोबारा कैंप के पास। कैंप लेके भी तो जाना है ना भाई, पैक करके अपना वापस। और थोड़ा सा मौसम खुला है, ज़्यादा नहीं खुल पाया है। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये था वो कुछ नज़ारा जिसको मैं आपको बता रहा था कि सुबह कैंप के बाहर दिखाऊंगा। सुबह तो नहीं, फिलहाल हो चुका है दोपहर का टाइम, बट एक बार व्यू देखो आप। ये कुछ अपना कैंप लगा हुआ है और ऊपर आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे होंगे वहां पे, अगर मैं जूम करूं तो एक बार, बहुत ज्यादा ब्लर हो गया फोटो वैसे तो, बट वहां है वो जो दिख रहे हैं ना वाइट वाइट, वो स्नो है। उसके अलावा कुछ ये वो सामने पहाड़ है भाई जिसके बारे में बता रहा कि बहुत ऊंचा पहाड़ है, अभी शायद कैमरे में ठीक से नहीं दिख पा रहा होगा। और वहाँ भी बादल चलते ही रहते हैं लगभग लगभग, यहाँ पे हर 10 मिनट में वेदर चेंज हो रहा है। और इस पहाड़ का अंदाज़ा भाई आप ऐसे लगा के देखो कि हम इस पहाड़ पे यहाँ हैं, ये कैंप है, इतना बड़ा पेड़ है और उसके सामने पहाड़, और ये पास नहीं है, बहुत दूर है, बीच में रिवर आती है। मैं आपको पास जाके रिवर दिखाता हूँ एक बार, वो नीचे आपको रिवर दिख रही होगी और सामने व्यू भाई ऑसम। हाँ तो भाई कुछ इस नज़ारे के बीच में हमने अपनी कैंपिंग की थी और इसमें हमने बारिश भी देख ली, ये बादल भी देख लिए, धूप में निकल के आ गई है और रात को मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था तो जब बारिश नहीं आई थी तब तक के लिए, और अपना खूब इंजॉय हो गया। इस वीडियो को अपने तरफ से बहुत भाई बहुत सारा प्यार दिखाना क्योंकि मेहनत बहुत लगी है, आपको भी पता है बारिश में कैंपिंग करना इतना आसान नहीं होता है। बाकी अपने इस कैंप को अब पैक करते हैं और मैं चलाता हूँ टाइम लैप्स। ये जो मेरा कैंपिंग एक्सपीरियंस था भाई बहुत ही अच्छा रहा था, मतलब फर्स्ट इन लाइफ एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए, और आगे फ्यूचर में आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ बहुत सारी कैंपिंग की वीडियोस मेरी आने वाली हैं, क्योंकि मेरे को पर्सनली भाई बहुत ही अच्छा लगा था इस कैंपिंग के दौरान। और अलग अलग प्लेसेस पे मैं कैंपिंग करना चाहता हूँ अब आगे, और जैसे कि अब कुछ ही महीनों बाद स्नो गिरने वाली है तो स्नो में भी सेम इसी जगह पे जाके हम कैंपिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही अलग आ जाता है स्नो के टाइम पे, हर जगह वाइट ही वाइट हो जाता है, यहाँ तक गाड़ी भी नहीं पहुँचती जहाँ हमारी गाड़ी फिलहाल पहुँची हुई थी।
हाँ जी, तो भाई फिलहाल अपना टेंट बिल्कुल पैकअप हो चुका है, सामान रख दिया सारा गाड़ी में, कुछ सामान था जो सुबह हम लेके चले गए थे। मेरी कैंपिंग की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, कैंपिंग ने चढ़ा दी भाई सांस बिल्कुल। बाकी वीडियो को लाइक करना, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि जितनी मेहनत की है ना भाई उस हिसाब से तो अच्छी लगनी चाहिए। हर तरीके से एंगल में मैंने कोशिश की है कि मैं हर चीज़ को कैप्चर करूँ। बाकी फ्यूचर में और कैंपिंग वीडियोज़ आती रहेंगी, जिस जैसा भी इस पर रिस्पॉन्स आएगा उस भी आप पे। बाकी अभी चलते हैं अपनी गाड़ी लेके सीधा होटल में, लंच वगैरह करते हैं और फिर शाम को हमें निकलना है वापस दिल्ली की तरफ। सो जी एक बार फिर से टाटा बाय बाय करते हैं और इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। कैंपिंग कैसी लगी कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।